हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर अनुपम मिश्र। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट टी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स यूनिट 7 एनडीडीएस। आज का जो टॉपिक हमारा है एनडीडीएस, इसका फुल फॉर्म है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को पढ़ने के पहले हम पढ़ते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। इनके दो पार्ट होते हैं, पहला है ट्रेडिशनल एंड दूसरा है नोवेल ड्रग। जो ट्रेडिशनल दवाएं होती हैं वो वे दवाएं होती हैं जिनको हम दिन भर में कई बार खाते हैं, और जो ये दवाएं होती हैं इनको हम जब दवाओं को खाते हैं तो दवा खाना हम भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, उनको कहा गया कि आपको दिन भर में 3 बार दवा खाना है, तो वो दिन भर में सुबह खाया, दोपहर खाना भूल गया, शाम खाया। या हमने कहा कि भाई आपको दिन भर में 2 बार खाना है सुबह और शाम, तो सुबह खाना है उसको 6 बजे तो खा रहा है 9 बजे, शाम खाना है 7 बजे तो खा रहा है 11 बजे। तो ये क्या है, पेशेंट कंप्लेन बहुत ज़्यादा इसमें आता है। मीन जो भी पेशेंट है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, समय से दवा नहीं खा पाते हैं, और जो भी बहुत सारे जैसे मान लीजिए क्रोनिक डिजीज के पेशेंट हैं वो दवा खाते खाते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनको दिन भर में दवा 3 बार खानी पड़ती है। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो भी पेशेंट हमारे होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए एक नई टेक्निक आई है जो से हम बोलते हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये जो दवाएं होती हैं इसमें जो दवाएं आती हैं उनका एक्शन बहुत लंबे समय तक होता है। मीन्स एक बार दवा खा लिए तो उन्हें दोपहर में खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शाम खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सुबह उन्होंने दवा खा लिया तो फिर यदि उसका जो हाफ टाइम है यदि 12 घंटे है, फिर उसे 12 घंटे बाद खाना है। मीन्स आपने एक बार दवा खा लिया तो आप लंबे समय तक आपको दवा नहीं खानी होगी। ये आपकी एनडीडीएस दवाएं हैं, और जो एनडीडीएस दवाएं होती हैं वो मोस्टली कंट्रोल रिलीज होती हैं या सस्टेन रिलीज होती हैं। मीन्स वो धीरे धीरे अपने आप को रिलीज करती हैं, जितना आपके बॉडी को जितनी एमजी दवाई की आवश्यकता है उतना ही आपकी बॉडी में रिलीज होगी और उतना वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगी। क्योंकि तो जो भी हमारी बॉडी है उसे यदि उसको 2 mg की आवश्यकता है तो 2 mg अपना वो रिलीज हुई, मीन्स जितनी पोटेंसी से हमने दवा बनाया है वो रिलीज हुई, और वो कांस्टेंट लेवल से आपके ब्लड में आपके टिश्यू में सर्कुलेट होती है। तो ये हमारी नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन। अ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ न्यू अप्रोच दैट कंबाइंस इनोवेटिव डेवलपमेंट फार्मुलेशन न्यू टेक्नोलॉजीज नोवेल मेथोडोलॉजीज फॉर डिलीवरिंग फार्मास्यूटिकल कंपाउंड इन द बॉडी एज नीडेड टू सेफ्टी अचीव इट्स डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। एनडीडीएस एक ऐसा नया दृष्टिकोण है, एक नया डेवलपमेंट है, एक नया फार्मुलेशन है, एक नई टेक्नोलॉजी है, एक कह सकते हैं हम एक नई मेथोडोलॉजी है, इसमें जो भी दवाएं हैं उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारे बॉडी में लंबे समय तक हो, और उस दवा से हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई समस्या ना आए। क्योंकि जब हम कोई भी दवा हम बनाते हैं एनडीडीएस में तो वो लंबे समय तक के लिए बनाते हैं, मोस्टली हम बनाते हैं कंट्रोल रिलीज एंड सस्टेन रिलीज। ओके, समझ आ गया। जैसे मान लीजिए हमारी दवा है और इसके ऊपर हमारी एक कोटिंग है सस्टेन रिलीज या कंट्रोल रिलीज, तो इस दवा को ब्रेक होने से ये जो हमारे पॉलीमर्स है सस्टेन रिलीज कंट्रोल रिलीज इनको ब्रेक करने से रोकता है। तो जो भी हमारे ये पॉलीमर्स हैं ये दिन को इस मेडिसिन को धीरे धीरे रिलीज करता है। यही तुम्हारे एनडीडीएस है। मीन्स जो भी दवाएं हम इसमें बनाएंगे उन दवाओं का जो एक्शन होगा हमारे बॉडी में बहुत लंबे समय तक होगा, और यही तो हमारा जो लेयर है इस लेयर को हम क्यों हम लगाते हैं इसमें, हम इसका यूज क्यों करते हैं, ताकि जो हमारी मेडिसिन है इसका ब्रेकडाउन तुरंत ना हो, इसका रिलीजिंग टाइम बहुत धीरे धीरे हमारे बॉडी में हो और लंबे समय तक हो। इसी हम बोलते हैं एनडीडीएस। नोवेल ड्रग डिलीवरी प्रोडक्ट आर सस्टेन कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट डिजाइन टू कंट्रोल द रिलीज ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, हेंस रिड्यूस डोजिंग फ्रीक्वेंसी फॉर बेटर पेशेंट कंप्लायंस। जो हमारी एनडीडीएस दवाएं होती हैं वो मोस्टली सस्टेन एंड कंट्रोल रिलीज दवाएं, उनसे दवा हमारी बनाई जाती हैं। जो हमारी कंट्रोल एंड सस्टेन रिलीज हमारी दवाएं होती हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं कंट्रोल एंड सस्टेन, ताकि जो हमारी मेडिसिन है वो धीरे धीरे रिलीज हो।
मैंने आपको बताया ये आपकी यहाँ बीच मेडिसिन है और ये आपकी लेयर है। तो इस मेडिसिन को ये लेयर ब्रेक होने से रोकती है ताकि ये ब्रेक ना हो, क्योंकि जब ब्रेक हो जाएगी तो सारी टैबलेट एक साथ हो रिलीज हो जाएगी। तो इसीलिए जो हमारी लेयर है ये धीरे धीरे इसको दवा को रिलीज करती है और बहुत लंबे समय तक दवा काम करती है। देखो जो एनडीडीएस दवाएं, यही है इसमें फायदा कि जो एनडीडीएस दवाएं होती हैं इनका एक्शन बहुत लंबे समय तक होता है, इसके और बाकी इसके कंपेरिजन जो और दवाएं होती हैं उनका जो एक्शन होता है बहुत कम समय तक होता है। तो ये जो दवाएं हैं इनका जो एक्शन होता है वो लंबे समय तक होता है और ये मोस्टली सस्टेन एंड कंट्रोल्ड टेबलेट होती हैं, और इसके साथ साथ रिड्यूस डोजिंग फ्रीक्वेंसी फॉर बेटर पेशेंट कंप्लायंस। मीन्स जो भी हम दवा खाते हैं दवा खाने जो टाइमिंग है वो भी हमारा कम हो गया, जो दवा खाने जो डोजिंग है, जो हम दिन भर में 3 टेबलेट खाते थे वो भी हम दिन भर में 1 दवा खानी है, 1 टेबलेट खानी है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया। एंड पेशेंट को अब कोई समस्या नहीं आएगी, अब जो भूल जाते थे कि दवा नहीं खा पा रहे हैं, सुबह खाना दोपहर खाना शाम खाना है, अब वो एक बार खा लिए और 3 दिन के लिए फुर्सत। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी दवा है एनडीडीएस। द गोल ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज टू प्रोवाइड अ थेरेपोटिक अमाउंट ऑफ ड्रग टू द डिजायर्ड साइट डिजायर्ड कंसंट्रेशन। जो एनडीडीएस का जो गोल है उसका गोल ये है कि उचित मात्रा में जो ड्रग कंसंट्रेशन है उस मात्रा में जो हमारा जहाँ पर जो भी ऑर्गन है जहाँ पर प्रॉब्लम है, किडनी है, लिवर है या हाथ पैर है, कहीं पर भी है जहाँ पर समस्या है वहीं पर उस दवा को जा करके प्लेस कर देते हैं और विद इन मिनट में वो अपने एक्शन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये हमारे एनडीडीएस दवा है। आइए अब हम इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं एनडीडीएस को। यदि ये ग्राफ आप समझ गए तो आपका एनडीडीएस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं ये जो है ये ड्रग का कंसेंट्रेशन इन द बॉडी, ये टाइमिंग है, और 3 ग्राफ दिए गए हैं। पहला है ट्रेडिशनल, दूसरा है कंट्रोल लीज एंड तीसरा है सस्टेन लीज। तो पहले समझते हैं इसको। ये इसमें जो भी दवाइयाँ आती हैं टैबलेट कैप्सूल सिरप, उन दवाओं को खाते हैं और वो धीरे धीरे हमारे बॉडी में रिलीज होती हैं, और रिलीज होने के बाद वो उनका जो एक्शन होता है वो मान लीजिए 3-4 घंटे तक उनका एक्शन रहा बॉडी में। उसके बाद क्या हुआ, उनकी जो उनका जो कंसंट्रेशन हो गया वो डाउन हो गया, फिर हम दवा खाते हैं। इसी प्रकार हम दिन भर में 3-4 बार दवा खाते हैं, तो मीन्स हमें दवाओं को बार बार खाना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी डिजीज है और बढ़ जाती है, हम टाइम को ध्यान नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं दवा खाना, तो इसमें बहुत सारे पेशेंट कंप्लेंस होते हैं। दूसरा क्या देखते हैं, सस्टेन रिलीज। ये हमारी एनडीडीएस नहीं है, ये हमारी एनडीडीएस नहीं है, लेकिन ये और ये हमारी एनडीडीएस में आती हैं। हम बात करते हैं पहले सस्टेन रिलीज के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई टैबलेट है और ये कोई टैबलेट है जनरल, ओके, इसको हम पॉलीमर के अंदर इसको हम पैक कर दिए, मीन्स के पॉलीमर कोटिंग कर दिया। अब इसमें पॉलीमर डाल दिए तो क्या होगा, जो टैबलेट हमारी है वो धीरे धीरे रिलीज होगी। मान लीजिए हमारे बॉडी को 3 cmg हो सकता है, तो ये एक बार में 3 cmg अपना रिलीज हो गई और हमारे बॉडी को अपना रिएक्शन दे रही है। अब 6 घंटे तक ये अपना इसका दवा अपनी जो भी है इसका जो एक्शन चल रहा है चल रहा है, लेकिन जब 6 घंटा पूरा हो गया उसके बाद फिर 3 cmg इसमें निकलेगी। मीन्स लंबे समय तक कि सस्टेन रिलीज है, ये लंबे समय तक ये अपना जो भी है जितना आवश्यकता रहती होती है बॉडी को वहां इसमें से निकलता रहता है। लेकिन ये क्या होता है कि इसमें एक समस्या ये होती है कि फ्लक्चुएशन में होता है, फ्लक्चुएट होती रहती है। क्यों, क्योंकि कभी कभी मान लो थोड़ा सा कम निकल गई इसमें दवा, कभी ज्यादा निकल गई, या जब तक डोज इसकी पूरी है तब तक निकलता है, उसके बाद जब इसकी डोज कम हो जाती है तो बाद में क्या होता है कि इसको देख रहे हैं ग्राफ तो कम हो गया फिर ये ऊपर उठ रहा है, मीन इसमें कम ज्यादा होता रहता है। ओके, तो ये इसमें कहीं कहीं इसमें फ्लक्चुएशन होता है। लेकिन बात करते हैं कंट्रोल रिलीज, ये जो कंट्रोल रिलीज होता है इसमें क्या होता है कि इस प्रकार का मैट्रिक्स होते हैं, जैसे ये है इसका इस प्रकार का, मान लीजिए कोई पाउच है, इसमें मैंने एक पैक कर दिया, दूसरी इसमें, तीसरी इसमें, चौथी इसमें, पांचवी इसमें, छठी इसमें, सातवीं इसमें, आठवीं इसमें, नौवीं इसमें, मीन्स हमने इसमें 9 खुराक हमने इसमें पैक कर दिया। अब हमने इसको अपने बॉडी में इंसर्ट कर लिया या इम्प्लांट कर लिया, अब हमारे बॉडी को सकता है तो ये एक टैबलेट जाकर रिलीज हो गई, जब तक ये चलेगी तब तक ठीक है, जैसे ही इसका कंसंट्रेशन डाउन होगा वैसे ही अगली रिलीज हो जाएगी, जैसे इसका कम होगा वैसे तीसरी हो जाएगी, फिर
फिर चौथी हो जाएगी पांचवी। देख रहे हैं इसका जो कॉन्स्टेंट लेवल एकदम प्लेन है, मींस एकदम कंट्रोल में, मींस कहीं पर भी इसका फ्लक्चुएशन नहीं होता, क्योंकि इसमें अलग अलग पाउच हैं। इस पाउच में जैसे मान लीजिए कोई एक खाना है, इस खाने में जितना पानी है आप गिरा दो पूरा तो खत्म पूरा, अब जब तक चल रहा ठीक है, फिर अगला खाना है पूरा गिरा दो तो इसमें है कोई दिक्कत नहीं ना। मीन जितनी इसमें दवाएं हैं प्रॉपर बॉडी कंज्यूम कर रही है, फिर ये पूरा खाना से खत्म, फिर दूसरा स्टार्ट, फिर तीसरा स्टार्ट, फिर चौथा स्टार्ट। इसलिए इसे बोलते हैं हम कंट्रोल्ड रिलीज। मीन्स सबसे अच्छी जो दवाएं होती है जो एनडीडीएस में वो आती हैं कंट्रोल्ड रिलीज। तो आप समझ गए होंगे कि एनडीडीएस क्या होती हैं। इसमें जो होती हैं पहला क्या है, इसमें हमने पढ़ा कि ट्रेडिशनल, उसमें दवा को हम खाते हैं और बार बार खाते रहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा सस्टेन रिलीज, ये जो उसमें दवा होती है इसमें हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन होता है। एंड जो तीसरा होता है कंट्रोल रिलीज, ये मैट्रिक्स टाइप में होती हैं, मीन्स इसमें दवा एकदम प्रॉपर और एक्यूरेट दवा हमारे बॉडी में जाती रहती है, और जो भी प्रॉपर पर्टिकुलर एरिया में जहाँ की प्रॉब्लम है, जहाँ पर डिजीज है, वो वहाँ पर दवा जा करके वहाँ पर बाइंड होती है रिसेप्टर से और आपको एक्शन देती है। तो ये इस ग्राफ से आप समझ गए होंगे कि एनडीडीएस क्या होता है। आइए पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एनडीडीएस ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। वैसे इसको बहुत ब्रॉड में भी किया गया क्लासिफिकेशन, लेकिन एक्शन के बेसिस से हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, और इसमें आपको जितना ही आपको समझाया गया, जितना बताया गया है आपको डी फार्मा या बी फार्मा के बेसिस बताया गया है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं किया गया है। तो जितना आपको एग्जाम में लिखना है आपको उतना ही बताया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसे बोलते हैं हम TRDDS। सेकेंड है सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड डिले रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और आप सस्टेन रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज आप समझ गए होंगे, जो कि मैंने आपको ग्राफ में समझा रखा है। यदि आप ग्राफ में समझ रखे होंगे अच्छे से, तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने समझ रखा है। चलिए पहले पढ़ते हैं टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, TRDDS क्या होता है। इट आल्सो कॉल्ड स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसे क्या बोलते हैं हम स्मार्ट ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं हम। और ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच डिलीवर द राइट क्वांटिटी ऑफ ड्रग और नियर द इंटेंडेड फिजिकल साइट ऑफ एक्शन। मीन जो टारगेटेड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं इसके दो ही प्रकार हैं, या तो इम्प्लांट या तो साइट ऑफ एक्शन मीन इंसर्टेशन। मीन से जो भी दवाइयां हैं जहां पर प्रॉब्लम है, जहां पर समस्या है, जहां पर आपको इन्फेक्शन है, जहां बीमारी है, वहीं पर पे इसको जाकर प्लेस कर देते हैं। मीन्स राइट डोज, राइट टाइमिंग एंड राइट प्लेस, इसका एक ही मैकेनिज्म है, राइट प्लेस राइट टाइम एंड राइट डोज। मीन्स एक ही जो भी हमारी पर्टिकुलर एरिया है वहां पर इस दवा को जाकर के हम प्लेस कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं TRDDS। और अब इसको करते क्यों हैं, क्योंकि जहां पर बीमारी आपको है वहीं पर जाकर इसको प्लेस कर देते हैं और तुरंत हमें रिस्पांस करती है। यदि ऐसे हम कोई दवा खाएंगे, पहले हम दवा खाएंगे, फिर हमारे बॉडी में जाएगी, एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तमाम चीजें होंगे, उसके बाद जाकर जो भी रिसेप्टर वहां बाइंड होगा फिर अपना एक्शन करेगा, और वहां तक पहुंचे पहुंचे हो सकता है कि 30% जो भी हमारी बायोअवेलेबिलिटी है खत्म हो जाए, 30% जो दवाइयां हैं, जो ड्रग हैं वो खत्म हो जाए, आपको केवल 60% ही 70% दवा मिले, लेकिन यहाँ पर 100% बायो अवेलेबिलिटी मिलती है। मीन्स जितनी दवा है आपको पूरी दवा आपको मिलेगी और पूरा आपको एक्शन कॉज करेगी। एग्जाम्पल क्या क्या इसके हैं, नैनो पार्टिकल्स, माइक्रोस्पेयर, लाइपोसोम्स, न्योसोम्स, क्यूबोसोम्स एंड विरोसोम एक्सेट्रा, मतलब कई इसके एग्जाम्पल्स हैं। एडवांटेज ऑफ TRDDS, पहला है एडवांटेज इंक्रीज इफिकेसी ऑफ द ड्रग, मींस जो भी ड्रग होती है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा रिस्पांस करती है। एडवांटेजेस ऑफ TRDDS, इसके लाभ क्या है, जो हमारी TRDDS दवाई है इसके लाभ क्या क्या है। पहला है इंक्रीज इफिकेसी ऑफ द ड्रग, मीन्स जो भी ड्रग है उनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा रिस्पांस करती हैं। साइट स्पेसिफिक डिलीवरी, मीन्स जहाँ पर प्रॉब्लम है वहीं पर उसको प्लेस करते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होगी। डिक्रीज टॉक्सिसिटी, जो भी हो टॉक्सिक प्रॉब्लम है, कोई दवा हम खा रहे हैं तो उसका कोई कोई समस्या हो सकती है उससे, लेकिन इसमें कोई इस प्रकार की समस्या नहीं आती है। डिक्रीज साइड इफेक्ट,
इसमें और कोई साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बेटर पेशेंट कंप्लायंस, मीन जो पेशेंट हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उनको हफ्ते में एक बार दवा खानी है या 2 दिन में एक बार दवा खानी है, तो उन्हें कोई समस्या होती नहीं है। तो ये इनके एडवांटेजेस हैं। आगे देखते हैं, सेकेंड जो हमारा टाइप है, सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, CRDDS। सस्टेन रिलीज आर ड्रग डिलीवरी सिस्टम दैट अचीव अप स्लो रिलीज ऑफ ड्रग डिलीवरी एंड एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंगल डोज। जैसे मैंने आपको पहले समझा रखा है, बता रखा ग्राफ में, कि जो भी सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती हैं ये बहुत धीरे धीरे रिलीज करती है। मीन इसमें जैसे मान लीजिए ड्रग है, तो इसके ऊपर कोई पॉलीमर है, तो ये जो दवा इसके अंदर है ये पॉलीमर जो है दवा को रोक के रखता है और इसको धीरे धीरे इसको रिलीज करता है, धीरे 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 धीरे। लेकिन कभी कभी मान लीजिए 2 cm हो गई रिलीज, कभी 1.5 cm हो गई, कोई 3 cm हो गई, तो ये फ्लक्चुएशन होता रहता है इसमें। होता तो है धीमे धीमे, लेकिन ये फ्लक्चुएट होता रहता है। कोई एक्चुअल एक्यूरेसी क्वांटिटी नहीं होती है कि हर बार वो 2 cm ही रिलीज करेगा, बार बार ये फ्लक्चुएट होता रहता है। और लेकिन हाँ, ये बेनिफिट्स का यही है कि भाई जो दवाएं हम दिन भर में 3 बार ले रहे हैं, इनको हम लेते हैं तो दिन भर में 1 बार लेना पड़ेगा या हफ्ते में 1 बार लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट्स तो वही हैं। और सिंगल डोज में एक दवा को हम यदि ले रहे हैं तो उसका जो है जो रिस्पॉन्स होता है, कम से कम 1 हफ्ते तो होगा या 2 दिन तो होगा। तो ये सस्टेन रिलीज के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कॉन्टिन्यूअस डोजेस फ्रॉम दैट प्रीवियस मेडिकेशन ओवर एक्सटेंडेड पीरियड टाइम। जो भी हमारी ये दवा है, ये हम दवा को लेते हैं, दवा को हम खाते हैं, तो ये बहुत लंबे समय तक दवा चलती है। हमने एक बार दवा खा लिया तो वो लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक ये दवा हमारी चलती रहती है, बार बार दवा को हमें खाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, मेटफॉर्मिन, मॉर्फिन, अल्प्राजोलम एक्सेट्रा, में कई प्रकार की बहुत बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इसके एग्जाम्पल्स हैं। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ सस्टेन रिलीज, इनके फायदे क्या क्या हैं सस्टेन रिलीज के। प्रोवाइड द एबिलिटी टू मेंटेन अ कांस्टेंट लेवल ऑफ मेडिकेशन विद इन द बॉडी। मीन्स जो सस्टेन रिलीज टेबलेट होती हैं ये फ्लैक्चुएट तो भले ही हुई होती हैं, लेकिन बॉडी में लंबे समय तक इनका एक्शन रहता है। और जब बॉडी में लंबे समय तक एक्शन रहता है तो अपनी जो भी दवाई है उसका लेवल मेंटेन कर रखता है। फ्लैक्चुएट भले ही होती है लेकिन उसके लेवल को वो मेंटेन कर रखता है। इलिमिनेट्स द लाइक ऑफ ब्रेस्ट बस्ट ड्रग रिलीज। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, इसके ये टैबलेट है और इसके अंदर सस्टेन रिलीज की एक कोटिंग होती है, इसे बोलते हैं पॉलीमर्स। तो ये जो होती है ये इसको तोड़ने से रोकता है, मीन्स ये धीरे धीरे इसको रिलीज करता है। यदि तुरंत रिलीज हो जाएगी तो हमारी दवा सस्टेन रिलीज नहीं होगी, लेकिन जब इसको धीरे धीरे रिलीज करेगा तभी तो बोलेंगे हम सस्टेन रिलीज। तो ये दवा धीरे धीरे हमारी बॉडी में रिलीज होती रहेगी और अच्छा एक्शन होते रहता है, ताकि कोई समस्या नहीं आती। थर्ड पॉइंट है, कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन विच मेंटेन कांस्टेंट लेवल ऑफ ड्रग इन ब्लड एंड टिश्यू फॉर एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। जो CRDDS दवाएं होती हैं ये ब्लड और टिश्यू में ड्रग के लेवल को मेंटेन कर रखता है लंबे समय तक, ताकि हमें बार बार दवा ना लेना पड़े। ये कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे नोवेल में, क्योंकि जो ये दवाएं होती हैं ये हमारे ब्लड और टिश्यू में जो भी मेडिसिन हैं उनका लेवल एकदम एक्यूरेसी से मेंटेन करके रखता है। इसके एग्जांपल क्या क्या है, डाइक्लोफेनेक सोडियम, निफेडिपिन टैबलेट, एस्पिरिन, कई प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट्स हैं। एलिमिनेशन हाफ लाइफ, इफ द टी हाफ इज लेस देन 1 आवर्स द डोज साइज रिक्वायर्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर 12 आवर्स और 24 आवर ड्यूरेशन डोज फॉर मे बी 2 लॉर्ज। मीन्स जो भी टैबलेट्स बनाई जाती हैं उनका कम से कम 1 घंटे से लेकर के 12 घंटे या 24 घंटे तक उनका रिस्पॉन्स रहता है। मीन्स जो भी हमारी CRDDS बनती हैं टैबलेट्स, उनको भी हम एक बार खा लिए तो 12 घंटे तक या 15 घंटे तक या 24 घंटे तक उनका रिस्पांस रहता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी मैट्रिक्स, जैसे मैंने आपको बताया था वहाँ पर, ये मैट्रिक्स टाइप में होती हैं, जैसे ये खाने हैं और इस खाने में 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 टैबलेट आपको इसमें इम्प्लांट कर दिया जाए
और बारी बारी से ये अपनी एक्शन देती रहती हैं, बारी बारी से ये रिलीज होती रहती हैं और हमारे ब्लड और टिश्यू में मेडिसिन लेवल मेंटेन करके रखती हैं। आगे आते हैं, इसका नेक्स्ट है एडवांटेजेस। CRDDS के क्या क्या लाभ हैं ये देखते हैं हम। टोटल डोज इन लो मींस, आपको जैसा कि बताया गया है कि हम क्या पढ़े, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो जो भी डोज है जिन्हें में एक दिन में 3 बार खाना है वो हमें एक दिन में 1 बार खाना पड़ेगा। रिड्यूस GI साइड इफेक्ट, हमारे GI में यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई इफेक्ट नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम बार बार दवा को खाएंगे, मैंने बताया था हमारे बॉडी में जाएगी तो सिंपल सी बात GI में जाएगा तो साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा। रिड्यूस डोजिंग फ्रिक्वेंसी, हम दिन भरे में जो 3 बार खा रहे थे हम 1 बार ही खाएंगे। बेटर पेशेंट कंप्लायंस मीन जो भी पेशेंट है वो भी खुश है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 हफ्ते में 1 बार खा रहा है या 2 दिन में 1 बार खा रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्रूव इफिकेसी एंड सेफ्टी रेशियो, और पेशेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और पेशेंट की बॉडी को भी सेफ्टी है, तो कोई समस्या नहीं है। बार बार आप एंटीबायोटिक, बार बार आप कोई दवा खाएंगे तो भाई वो सिंपल सी बात है, वो दवाई है और आपकी बॉडी में दवा जाएगी, कोई ना कोई साइड इफेक्ट या कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट तो होगा ही और आपको और प्रॉब्लम और कोई हो सकती है, इसलिए हम इसको हम नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का उपयोग करते हैं। डिले रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये हमारा फोर्थ टाइप्स है डिले रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं एंटेरी कोटेड टैबलेट्स। अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम व्हिच रिलीज द ड्रग आफ्टर अ टाइम गैप और आफ्टर बाईपासिंग स्पेसिफिक रीजन ऑफ GIT मीन्स द ड्रग रिलीज आफ्टर सम डिले और गैप। ये जो एंट्री कोल्ड टैबलेट्स होती हैं आपने सुना होगा, ये भी एक जनरल टैबलेट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई टैबलेट्स है तो इसके ऊपर हम पॉलीमर मीन्स एंट्री कोड कर देते हैं, एंट्री कोड, ताकि इस जो हमारी एंट्री कोड है इस टैबलेट को ये ब्रेक डाउन ना करे। यदि ये टैबलेट हमारी ब्रेक डाउन नहीं होगी तब ये टैबलेट हमारी लंबी समय तक चलेगी, और ये अगर टैबलेट ब्रेक डाउन हो गई तो ये इसका तुरंत एक्शन होगा और मुश्किल से 3-4 घंटे में इसका एक्शन खत्म हो जाएगा और फिर हमें दवा बार बार लेनी पड़ेगी। लेकिन हम इस दवा को हम बनाते हैं स्पेसिफिक गैस गैस की दवाएं, जैसे हमारी जैसे इसमें लिखा है एग्जाम्पल में रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, लांसोप्राजोल है ना, तो ये जो टैबलेट हैं ये मोस्टली सारे जो टैबलेट्स हैं वो गैस के लिए हैं। इसमें क्या होता है कि जो दवा हम खाते हैं पहले वो स्टमक में जाती है फिर जाते हैं इंटेस्टाइन में, तो जो इस प्रकार दवा बनाते हैं वो हमारे स्टमक में जाए तो डिजॉल्व ना हो। जितने भी ये एंट्री कोल्ड टैबलेट्स हैं ये सारी जो दवा हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में डिजॉल्व ना हो और सीधा जा करके हमारे GI में जाकर डिजॉल्व हो, ताकि GIT में डिजॉल्व हो ताकि कोई समस्या हमें ना हो, और सीधा जा करके जो प्रॉब्लम है क्योंकि GIT में गैस बनती है सीधा जाकर वहाँ एक्शन का कॉज करे, सीधा जाकर वहाँ रिस्पॉन्स कॉज करे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, तो इसीलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे एंट्री कोटेड टैबलेट्स। एडवांटेज ऑफ एंट्री कोटेड टैबलेट, फर्स्ट है इसके लाभ है, एंट्री कोटेड इज दैट इट इज यूज टू रिलीज द ड्रग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एवॉइड द ड्रग रिलीज इन द स्टमक। तो मैंने आपको बताया जो भी हमारी एंट्री कोटेड टैबलेट्स होती हैं वो स्टमक में डिजॉल्व नहीं होती हैं, वो डिजॉल्व होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो स्टमक है उसमें एसिड होता है और एंट्री कोटेड टैबलेट एसिड में 0.1 नॉर्मल एसएल में वो डिजॉल्व नहीं होती हैं, वो होती हैं फास्फेट बफर में। सेकेंड, एंट्री कोटेड टैबलेट और डोज फॉर्म कैन मास्क टेस्ट एंड अडर ऑफ द ड्रग। जो एंट्री कोट होते हैं वो ड्रग के टेस्ट को और उनकी स्मेल को मास्क कर देते हैं, छिपा देते हैं ताकि खाने में इजी वे में उसको खा सकें। इट कैन इम्प्रूव द अपियरेंस ऑफ द प्रोडक्ट बाय यूजिंग कोटिंग डिफरेंट कलर। जो भी हमारे एंट्री कोट होते हैं वो अट्रैक्टिव दिखते हैं क्योंकि उनके ऊपर हम अलग अलग कलर डाल सकते हैं, ब्लू है, सनसेट येलो है, रेड है, जो भी है, तो टैबलेट हमारी अच्छी दिखी उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंट्री कोटिंग इज एन इकोनॉमिकल मेथड एज कंपेयर टू अदर डोज फॉर्म, और जो भी डोज फॉर्म है सस्टेन रिलीज है कंट्रोल रिलीज है अदर जो भी टैबलेट हैं उनकी कंपेरिजन में ये दवा बहुत अच्छी और सस्ती भी होती है।
इट इज ऑल्सो यूज इन कैप्सूल इन प्रिपेयरिंग एंटेरिक कोटेड ग्रेनुल्स। जरूरी नहीं है कि हम केवल एंटेरिक कोटेड बनाते हैं टैबलेट्स, केवल हम एंटेरिक कोटेड कैप्सूल भी बनाते हैं। आपने देखा हो मार्केट में गैस का कैप्सूल आता है, इसमें रेबेप्राजोल एंड डोमेप्राजोल का कैप्सूल होता है, लांसोप्राजोल होता है, उसमें कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, तो जो दाना होता है वो एंटेरिक कोट होता है। तो हम कैप्सूल को भी हम एंटेरिक कोट में हम बनाते हैं। और जो ऊपर होता है कैप्सूल, जो उसे बोलते हैं कैप्सूल, जो ऊपर होता है बॉडी एंड कैप, वो नहीं होता एंट्री कोट। एंट्री कोट होता है जो उसके अंदर जो दाना होता है, जो उसे बोलते हैं पैलेट्स, वो हमारा एंट्री कोट होता है। तो ये हमारे एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टाइप्स ऑफ एनडीडीएस ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक जो हमने पढ़ा वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, और अब हम क्या पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसको केवल आप रट लीजिए, इसके बारे में हमें डिटेल नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में इतना पढ़िए इतना आप लिख सकते हैं, डिटेल में हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है। फर्स्ट है ओरल कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसे बोलते हैं OCRDDS। इन्हीं के सब टाइप्स हैं डिफ्यूजन मैट्रिक्स, डिसोल्यूशन मैट्रिक्स, डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन मैट्रिक्स, ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल मैट्रिक्स, केमिकल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, हाइड्रोजेल्स, आयन एक्सचेंज रेजिंस, ये अलग अलग टाइप्स हैं जो भी हम इस्तेमाल करते हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट टाइप्स हमारा है बी पेरेंटल कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें फर्स्ट हमारा है पॉइंट, जो फर्स्ट इसका पार्ट है इंजेक्टेबल सोलूशन, इंजेक्टेबल सस्पेंशन, इंजेक्टेबल इमल्सन, माइक्रोस्फेयर्स एंड माइक्रो कैप्सूल, नैनो पार्टिकल्स, न्यूसोम्स, लिपोसोम्स, ये सब सारे आपके आते हैं पेरेंटल कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब सी पे आते हैं हम, सी का जो हमारा पार्ट है वो है ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम। ये दो प्रकार के हैं, पहला है रिजर्वायर टाइप, सेकंड है पॉलीमर मेटल सिस्टम। अब आते हैं डी, डी इम्प्लांट, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट, सेकेंड है इंट्रा वजाइनल डिवाइस, एंड थर्ड है इंट्रा यूटराइन डिवाइस, एंड फोर्थ है इंट्रा ऑकुलर डिवाइस। ये हैं टाइप्स ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनको आप केवल रट लीजिए, और इतना ही आपको रटना है और आपको इतना लिखना है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में लिखने के लिए इतना समय नहीं रहता है। चैलेंजेस ऑफ एनडीडीएस, डिलीवरिंग द ड्रग एट द राइट प्लेस एट द राइट कंसेंट्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। जो भी पेशेंट हैं उनको राइट प्लेस पे, राइट कंसेंट्रेशन एंड राइट समय पे उन्हें हम डोजिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट है उन्हें प्रॉब्लम है राइट हैंड में, तो आपने लेफ्ट हैंड में उन्होंने ड्रग प्लेस कर दिया, तो इससे बहुत बड़ी समस्या आ सकती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। एनडीडीएस डेवलपमेंट प्रोसेस हैज मॉनिटरी रेगुलेटरी एंड पेशेंटिंग चैलेंजेस एसोसिएट विद रिसर्च इन इंडिया। एनडीडीएस में जो भी डेवलपमेंट है, प्रोसेसिंग है, उनको प्रॉपर एनडीडीएस के माध्यम से मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको रेगुलेटरी करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉपर टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कहीं भी किसी भी प्रकार से कहीं कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि थोड़ी भी दिक्कत यदि हो गई तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्योंकि आपने दवा बनाया है कि 1 घंटे में 20 mg घुलेगी, 4 घंटे बाद पे 20 mg घुलेगी, मान लीजिए वो पूरी जो भी आपने 4 mg इकट्ठा घुल गई तो इंसान तो मर जाएगा, इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इट इज डिमांड हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव एंड फेस द प्रॉब्लम ऑफ टॉक्सिटी लो एफिकेसी बायोअवेलेबिलिटी साइड इफेक्ट फर्स्ट एंड डेटेबिलिटी। मीन्स इसमें क्या है, हाई इन्वेस्टमेंट है एंड ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा नहीं है कि तुरंत बन जाएगा, इसमें पैसा भी ज्यादा लगेगा, समय भी ज्यादा लगेगा, एंड प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। भाई कोई भी दवाई है, हमने सिंपल उसको हमने बना लिया, 2 मिनट घुल के काम खत्म हो गया, लेकिन इसको हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो दवा हमने बनाया है अभी तुरंत मैंने खाते ही कितने परसेंट ये रिलीज हुई है, और फिर 4 घंटे बाद फिर कितना रिलीज हुई है, 12 घंटे बाद फिर कितना रिलीज हुई। ऐसा नहीं थी सारी इकट्ठा रिलीज हो गई, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना होगा।
तो ये सब हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम सफर फ्रॉम मेजर चैलेंजेस ऑफ डिलीवरी पुअरली सॉल्वेबल ड्रग एंड बायो अवेलेबिलिटी हर्डल्स, मीन्स बहुत बड़ी चुनौती है एनडीडीए दवाओं के लिए, क्योंकि कोई भी दवाइयां हैं, कोई भी ड्रग है, अगर उसको बना रहे हैं, एसआर है, सीआर है, यदि प्रॉपर वो नहीं बना रहे हैं तो यदि उसको ब्रेक टैबलेट को होना चाहिए 12 घंटे बाद, तो जो 1 घंटे में हो गई तो कुछ भी हो सकता है। जो भी दवा हम बनाएंगे वो हम प्रॉपर जांच के बनाएंगे, उसका हम प्रॉपर टेस्टिंग कर बनाएंगे कि भाई आधे घंटे बाद इतना घुल रही है, 8 घंटे बाद इतना घुल रही है, 20% रेज अभी हो रही है और बाकी 8 घंटे बाद 20% रेज हो रही है, क्योंकि लंबे समय तक है ना। अब जो दवा हम दिन भर में 3 बार खा रहे हैं, 3 बार ले रहे हैं, वही दवा हम तीनों की क्वांटिटी, मान लीजिए एक की जो हमारी हमारे जो गोड जो हमारी एक टैबलेट की जो हमारी डोज है वो 20 mg है, तो 3 बार खाते हैं तो 20 से ही 60 mg हो गई, तो 60 mg को हम इकट्ठा यदि ले रहे हैं, तो अब इकट्ठा ले रहे हैं तो 20 mg एक बार में हमारी रिलीज हुई, 20 mg दूसरी बार और 20 mg तीसरी बार, तो हम एक बार खा ले, हमें आपको दोबारा दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। तो यही चीज अगर ये 3 डोज इकट्ठा अगर ब्रेक हो गई तो इंसान की डेथ हो सकती है, इसीलिए बहुत बड़ा चैलेंज है एनडीडीएस में। तो ये हमारे आपके टॉपिक्स थे, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, आपको इसमें डेफिनेशंस, इसके टाइप्स, इसके एडवांटेज, इसके एग्जाम्पल्स एंड चैलेंज आपको डिस्कस कर दिया गया है, और इसमें डिस्कस करने का तो बहुत सारी चीजें हैं, पूरी किताब है, पूरी रामायण है, लेकिन आपको इसमें इतना डिस्कस किया गया जितना आपको एग्जाम में लिखना है, और आपको इतना पढ़ाया गया है जितना आप उसको रट सकें उतना पढ़ सकें। ओके, थैंक यू।